नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी बीच में और मैं हूं आपके साथ सोनम। रिया चक्रवर्ती का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे झूठ, कितने झूठ और बचे हैं जो सामने आने बाकी हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी बात जो कि एनसीबी के बड़े अधिकारी राकेश अस्थाना ने बताई है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से अपना आपा खो देती हैं जब उनसे पूछताछ होती है। रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद राकेश अस्थाना ने एक इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो अब तक टीवी के सामने, कैमरे के सामने एक सती सावित्री बन रही थी, एक देवी का रूप धारण करे बैठी थी, लेकिन अब जब उनसे रियल तरीके से पूछताछ हुई, जब वो जुडिशियल कस्टडी में आई, उनसे अधिकारियों ने पूछताछ की, तो उन्होंने खुलकर वो सारी बातें बता दी जिनका हम सबको पहले से पता था हम लोगों को, लेकिन वो झूठ बोल रही हैं ये भी जानते थे। उनके मुंह से जब अधिकारियों ने सुना कि हाँ वो ड्रग्स लेती हैं, उनसे कई सवाल किए गए, 55वें सवाल पर वो एकदम सकपका गई, जवाब देने से कतराने लगी, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। लेकिन जब ये बातें उन्होंने अपने मुंह से खुद बोली कि मुझे दिन में यानी कि 24 घंटे में एक बार ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, वो एडिक्टेड हैं ड्रग्स की, उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को गलत तरीके से ड्रग्स दिया। एक शख्स जो अपनी डायरी में, अपने नोट में ये लिखता रहता है, आई विल क्विट स्मोकिंग, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, वो शख्स कैसे ले सकता है ड्रग्स? ये सवाल लगातार, और जिस तरह से उनके जो साथी रहे हैं, जो और बड़े सेलिब्रिटीज रहे हैं जो उनके साथ वर्कआउट करते रहे हैं, उन्होंने भी बताया है, इवन उनके फिटनेस ट्रेनर ने भी बताया है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उनके फिटनेस को लेकर। राकेश अस्थाना की बात करते हैं जो कि इस पूरे मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एनसीबी के अधिकारी हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर सवाल किए, उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया भी कि वो जो एक बर्ड्स लेते हैं जो कि ड्रग्स जो आता है वो 8 लाख प्रति किलो का होता है। उन्होंने खुद बताया रिया चक्रवर्ती ने कि वो इतने रेट्स पर ड्रग्स लेती थी और कई कई किलो सुशांत सिंह राजपूत के घर के एड्रेस पर पहुंचवाया जाता था, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने नंबर से नहीं बल्कि और दूसरे नंबरों से कोऑर्डिनेट करती थी। राकेश अस्थाना का ये भी बताना है कि रिया चक्रवर्ती एक सिंगल महिला नहीं है जो ये पूरा रैकेट में शामिल है। उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत एक्टिव मेंबर है, ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और उसमें कई बड़े लोगों के नामों के खुलासे भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के थ्रू वो पूरे रैकेट को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे रैकेट के तार दुबई के साथ साथ काफ़ी इंटरनेशनल और अंतर्राज्य यानी कि जो इनर सर्कल है उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री के बाहर के लोग भी हैं, और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करना है, जिनका बिजनेस ही ड्रग्स करना है, वो भी लोग यहाँ पर इस तरह से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि रिया के कनेक्शन दुबई ही नहीं, बहुत दुबई के बाहर और भी काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ड्रग्स का जो सप्लाई है वो लेती थी और वो करवाती थी। फिलहाल राकेश अस्थाना ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लव स्टोरी से जुड़े हुए भी कई सवाल पूछे थे, क्या सुशांत को ड्रग्स? तो हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत ही ड्रग्स लेते थे, सुशांत एडिक्टेड थे, ये उनका कहना है। वो अभी भी ये नहीं मानने को तैयार हैं कि उन्होंने ही सुशांत को ड्रग्स दिया है, हालांकि उन्होंने इस बात को ज़रूर कबूल कर लिया है कि वो ही ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती। और जब रिया चक्रवर्ती के सामने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को बैठाया गया और उनके बयान सामने आए, तब जाकर रिया चक्रवर्ती रोने लगी और वो ये सारी बातें बोलते हुए नजर आईं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।